अपने पसंदीदा स्पोर्ट्स के अपडेट जानने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए टाइम स्टैम्प को क्लिक करें। शनिवार को हॉकी के दो बेहतरीन मुकाबले हुए, मेंस हॉकी टीम भिड़ी नेदरलैंड से जबकि वुमेन्स हॉकी टीम भिड़ी अर्जेंटीना से, और दोनों ही मैच पेनल्टी शूट आउट में तय हुए। वुमेन्स हॉकी में इंडिया और अर्जेंटीना का मैच 3-3 पे ड्रॉ हुआ। मैच का पहला गोल इंडिया ने किया जो कि तीसरे मिनट में आया। इस गोल को ललरेन सियामी ने किया। उसके बाद 21 और 36 मिनट में अर्जेंटीना ने गोल करके बढ़त ले ली, लेकिन 36वें मिनट में ही गुरजीत कौर ने गोल करके स्कोर को बराबर किया। 44th मिनट में अर्जेंटीना ने फिर से गोल किया और 3-2 का लीड ले लिया, और उसके बाद 50th मिनट में गुरजीत कौर ने फिर से गोल कर दिया जिससे स्कोर 3-3 के बराबरी पे आ गया। उसके बाद कोई भी गोल नहीं हुए और मैच ड्रॉ हो गया। पेनल्टी शूटआउट में इंडिया 2-1 से जीत गया। भारत की तरफ से सोनिका और नेहा ने गोल किए जबकि अर्जेंटीना की तरफ से ग्रेनेटो विक्टोरिया ने गोल किया। टोक्यो ओलंपिक्स के सिल्वर मेडलिस्ट को हराकर भारतीय टीम का मनोबल बढ़ा होगा। मेंस हॉकी तो इससे भी ज्यादा रोमांचक हुआ। यह मैच भी 2-2 से ड्रॉ हो गया था और पेनल्टी शूटआउट से इसका रिजल्ट निकला। मैच का पहला गोल नेदरलैंड ने 10वें मिनट में किया। उसके बाद 22वें मिनट में भारत के दिलप्रीत सिंह ने गोल करके स्कोर को बराबर किया। उसके बाद 25 मिनट तक एक भी गोल नहीं हुए, लेकिन 47th मिनट में नेदरलैंड का एक बेहतरीन काउंटर अटैक आया जिसमें उन्होंने गोल करके बढ़त ले ली। मैच के सबसे बेहतरीन पल मैच के आखिरी 23 सेकंड्स में आए। इस 23 सेकंड में भारत को 3 पेनल्टी कॉर्नर मिले, लेकिन 2 पेनल्टी कॉर्नर में भारत चूक गया। जब मैच के 2 सेकंड्स बचे थे तब तीसरा पेनल्टी कॉर्नर मिला। इस बार हरमनप्रीत सिंह ने नहीं चूका और बॉल को डायरेक्ट गोल में डाला, लेकिन पेनल्टी शॉट आउट में भारत ये मैच 4-1 से हार गया। दूसरा अपडेट है जेवलिन थ्रो का। क्वार्टर गेम्स में भारत के नीरज चोपड़ा ने 86.69 मीटर फेंक कर टॉप किया। बरसात हो जाने के कारण रनिंग ट्रैक फिसलन भरी हो गई थी जिससे एथलीट अपना 100% दे नहीं पाए। नीरज चोपड़ा भी एक थ्रो करते समय बहुत ही बुरी तरह से फिसल गए थे, लेकिन अच्छा हुआ उनको कुछ इंजरी नहीं आई। सेकंड पोजीशन हासिल किया ट्रिनिडेड एंड टोबैगो के कैथरन वॉलकॉट ने। उन्होंने 86.64 मीटर फेंका। 84.75 मीटर फेंक कर एंडरसन पीटर्स थर्ड नंबर पर रहे। तो प्राइज मनी के रूप में नीरज चोपड़ा को मिलेंगे 2000 यूरो, जो कि इंडियन रुपीज में होते हैं अप्रोक्स 1.63 लाख। सेकंड रैंक को 1000 यूरो मिलेगा और थर्ड वाले को 700 यूरो। अगला अपडेट है बैडमिंटन से। इंडोनेशिया ओपन के सेमीफाइनल में आज भारत के एचएस प्रणॉय और चाइना के जाओ जेंग पेंग पहली बार भिड़े, और अपनी पहली मुलाकात में चाइना के वर्ल्ड नंबर 35 ने भारत के वर्ल्ड नंबर 23 को 21-16 और 21-15 से हराया। मानना पड़ेगा इस चाइनीज खिलाड़ी को वर्ल्ड नंबर 35 होकर भी इसने बड़े बड़े खिलाड़ियों को हराया, लेकिन फाइनल में इनका मुकाबला दुनिया के वर्ल्ड नंबर 1 खिलाड़ी विक्टर एक्सेलसन से होगा, जो कि आसान नहीं रहेगा। अगर विक्टर एक्सेलसन हार गए तो ये बहुत बड़ा अपसेट होगा। स्पोर्ट्स अपडेट्स जानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।